एमपीपीएससी बिटके के जेल पहरी से संबंधित काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। 30 प्लस वाले जरूर देखें। जी हाँ, जिनकी आयु वर्ष लगभग 30 के ऊपर हो चुका है और वह भी इंतजार कर रहे थे लगभग 2 साल से इस तरीके की परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का और वो वेट कर रहे थे, उनके लिए काफी बड़ी दुख देने वाली न्यूज है। लगभग 2.5 लाख उम्मीदवारों पर होगा इसका असर, इस फैसले का असर, और आयु सीमा बनी लाखों अभ्यर्थियों का मुद्दा। वैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन मुद्दा बना हुआ है मध्य प्रदेश में, इसके कारण आगामी भर्तियां रुकी पड़ी हुई है। साथ ही साथ अब एक और मुद्दा बन गया है आयु सीमा, क्योंकि विगत कुछ सालों मध्य प्रदेश में लगभग 2 सालों से मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई है और इंतजार में काफी अधिक अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ गई है। लास्ट गवर्नमेंट ने फैसला लिया था उस एज ग्रुप को बढ़ाने का, परंतु इस बार दोबारा गवर्नमेंट ने उसे वापस कर दिया है। क्या है पूरी न्यूज हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेशन साथ ही साथ एमपी के करंट अफेयर्स पर मिलते रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। नहीं बड़ी जेल पहरी भर्ती परीक्षा की उम्र। जी हाँ, चाह रहे थे, काफी अधिक अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो जेल पहरी भर्ती है उसकी उम्र सीमा बढ़ा दी जाए। कांग्रेस सरकार के एक और फैसले पर भाजपा सरकार का ब्रेक, एग्जाम से बाहर होंगे लगभग 2.5 लाख उम्मीदवार। पिछली सरकार ने आयु सीमा 33 से 35 साल करने का लिया था निर्णय। 3 साल बाद हो रही जेल पहरी परीक्षा भर्ती परीक्षा में ऐसे करीब 2.5 लाख उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, जो 3-4 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, अब ये उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा के हिसाब से ओवर एज हो गए हैं। अभी जेल भर जो पहरी भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा 33 साल निर्धारित है, इस आयु सीमा को उम्मीदवार 37 साल किए जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जेल पहरी और पुलिस भर्ती परीक्षा 2017-2018 में हुई थी, इसके बाद से एग्जाम नहीं हुआ। इसके चलते पिछली कांग्रेस सरकार में उम्मीदवारों ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की थी। तब तत्कालीन मंत्री गोविंद सिंह ने पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 35 साल किए जाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया। अब परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की जो मांग है सरकार ने भर्ती परीक्षा के लिए जेल पहरी के लिए, अभी भर्ती परीक्षा के लिए 27 जुलाई से आवेदन भरे जा रहे हैं, अब सिर्फ 22,000 आवेदन ही आए हैं। इससे पहले 778 पदों के लिए हुई जेल पहरी की भर्ती परीक्षा के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन आए थे। अगर भर्ती परीक्षा की आयु सीमा नहीं बढ़ती है तो आवेदन की संख्या इस बार 1 लाख से भी कम रह जाएगी। 2 साल से नहीं हुई एक भी भर्ती परीक्षा, देखिए काफ़ी बड़ी बात है ये। 2018 से कुछ भर्ती परीक्षाएं हुई थी, इसके बाद से वर्ष 2019 में स्कूली शिक्षा की भर्ती परीक्षा को छोड़कर अन्य कोई भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई है। वर्ष 2020 में तो अब तक एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएँ टाली जा रही हैं, पीईबी को बंद किए जाने की बात भी चल रही थी। इसके अन्य विभाग पीईबी की परीक्षा कराए जाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो यही था पूरा मुद्दा। 2 साल से भर्ती परीक्षाएं हुई नहीं है तथा एज पर भी रोक लगा दी गई है। काफी बड़ी समस्या है, क्या किया जा सकता है। हम केवल मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करें।